बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट साल दोम सबक नंबर 9 मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ख़ुलासा समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपकी आसानी के पेश नज़र इस सबक के ख़ुलासे को मैंने 6 हेडिंग्स में तकसीम किया है, लेकिन याद रखें कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ुलासे में हेडिंग बनाना ये दुरुस्त नहीं है। आप पेपर में जब खुलासा लिखेंगे तो हेडिंग्स नहीं बनाएंगे, बल्कि 6 पैराग्राफ की शक्ल में आप ये खुलासा लिख सकते हैं। तो आइए खुलासे का बकायदा आगाज़ करते हैं। पहली हेडिंग, मुसन्निफ़ का मौलाना से तारुफ़। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ लिखते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं अखबार नई दुनिया के दफ्तर में काम किया करता था। एक दिन मैं अपने दफ्तर में काम में मशगूल था कि किसी नौकर ने आके बताया कि जमींदार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं कुछ समझ ना पाया तो मौलाना शायक अहमद उस्मानी ने वजाहत की कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले उनको तस्वीर में ज़रूर देखा था और मेरा अंदाज़ा था कि दूसरे मजहबी रहनुमाओं की तरह मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का भी एक बड़ा सा पेट या एक बड़ी सी तोंद होगी, लेकिन जब उनको सामने देखा तो मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। दूसरी हेडिंग, मौलाना की सियासतदानी। मौलाना ने आते ही साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और हिंदुस्तान के कामिल आज़ादी पर बहस शुरू कर दी। हम उन्हें शेर व अदब की तरफ लेकर आते, मगर मौलाना हमें हिंदुस्तान के सियासी उमूर की तरफ ले जाते। बिल आखिर मौलाना की जीत हुई और हम सब खामोशी से उनकी बातें सुनने लगे। तीसरी हेडिंग, सुबह की सैर। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि जब पहली मर्तबा मैं लाहौर आया तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार ज़मींदार के दफ्तर में क़याम किया। एक मर्तबा रात के पिछले पहर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने मुझे कंधे से हिलाया और कहा कि आओ सैर को चलें। मुझे काजी एहसानुल्लाह मरहूम की बात याद आ गई, उनकी नसीहत याद आ गई कि मौलाना सुबह सवेरे नहर के साथ मीलों दौड़ते हैं और अपने साथ वाले को दौड़ाते हैं। ये नसीहत याद आते ही मैंने मौलाना से दर्द की शिकायत करके अपनी जान बचाई। चौथी हेडिंग, खेलों में महारत। मौलाना को डंडर पेलने का बहुत शौक था। नेजाबाजी, शाह सवारी, तैराकी, इनमें भी आप बर्क थे। नेजाबाजी में महारत की वजह से आपको फौज में भी शामिल कर लिया गया, लेकिन अफसरुल मुल्क से न बन सकी, जिसके बायस आपने इस्तीफा दे दिया। पांचवी हेडिंग, शेर व शायरी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान क़ादिरुल कलाम शायर थे। अक्सर शुआरा जब शेर की आमद नहीं होती तो वो ज़बरदस्ती शेर कहने की कोशिश करते हैं, और अगर इसमें भी उनको कामयाबी ना मिले तो बीवी बच्चों की शामत आ जाती है। मगर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ये आलम था कि आपने लंबी लंबी नज़में इस तरह लिख दी जैसे कोई नसर लिखता है। आप अपनी तवील नज़में आधे घंटे या घंटे भर की मुसलसल काविश से लिख लिया करते थे। छठी हेडिंग, काम से लगाओ। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जब तक अपने दफ्तर में रहते खूब शोर शराबा रहता। कभी काजी को बुला रहे हैं तो कभी अख्तर को आवाज़ दे रहे हैं, कभी ज़ाहदी को पुकारते हैं तो कभी मुझे। इन में से कोई भी अच्छा शेर या अच्छा मज़मून लिखता तो उसकी हौसला अफजाई करते और उसको इनाम देते। इसके बावजूद अक्सर लोग उनके दफ्तर से बाहर रहने ही की दुआ करते थे, जो कि कबूल भी हो जाती थी। उसकी वजह यह थी कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को अपने अखबार की ज़ुबान और किताबत की सेहत का बड़ा ख्याल रहता था। ज़रा सी गलती उनकी नज़र से गुजरती तो वह आसमान सर पर उठा लेते और डांट डपट शुरू कर देते और गुस्से के आलम में कहने लगते कि बंद कर दो ये अखबार, ऐलान कर दो कि कल से ये अखबार नहीं निकलेगा। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने सबक नंबर 9 मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ख़ुलासा समझा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।